हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसके लिए हमने एक कप मैदा ले लिया है और एक चम्मच उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, एक चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक और 4 से 5 चम्मच हम उसमें दही डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें यहाँ पर एकदम से सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। अब हम 2 चम्मच के करीब घी डाल करके उसको अच्छे से मस लेंगे। करीब हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि हमारा डो एकदम सॉफ्ट तैयार हो। अब इसको हम बेलन की सहायता से बेल करके और एक प्लेट में लगा देंगे। इसके बाद हम चम्मच की सहायता से इस पर निशान बना करके इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। चारों तरफ पिज़्ज़ा सॉस फैला देंगे। फिर हम इस पर चीज़ डालेंगे और हमें जो भी सब्जियां पसंद हैं उसको हमने पहले से कट करके रख लिया है, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। हम आज पिज़्ज़ा उसमें ओवन में बनाने वाले नहीं हैं, आज मैं एक कढ़ाई में ही बनाऊंगी पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसके ऊपर स्टैंड डाल करके और पिज़्ज़ा उसमें रख करके कम से कम हम 25 मिनट तक इसको बेक करेंगे। और देखिए, 25 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने बेक किया है और हमारा पिज़्ज़ा बन करके बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।